तेरी तारीफ हो, स्तुति हो, स्तुति हो, आराधना हो, तेरी स्तुति हो, महिमा हो, आदर के लायक, महिमा के लायक, जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, मैं तेरी हमद सताइश करता हूँ, तेरे जलाल के लिए, तेरी महिमा के लिए, खुदावन तेरे अभिषेक, तेरे मसा के लिए, तेरी अनॉइंटिंग के लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं। गॉड वी थैंक यू, होली स्पिरिट वी थैंक यू, Jesus, we thank you. We give you glory, God. Be thou lifted up. Fill this place. Fill this place. Hallelujah. Bhar, bhar, bhar. अपने अभिषेक के साथ, मसा के साथ, कृपा के साथ, अनुग्रह के साथ भर दे अपने लोगों को खुदावंद यीशु। तेरा पवित्र हाथ आगे बढ़े, कृपा का हाथ आगे बढ़े, चंगाई का हाथ आगे बढ़े, शिफा का हाथ आगे बढ़े। शिव खुदावंद, कमियां घटियां जाती रहे, कमजोरियां जाती रहे, परेशानियां जाती रहे, चिंताएं जाती रहे। The fire of God, the fire of God, the fire of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Purifying, sanctifying the fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit. In the name of Jesus, in the name of Jesus. खुदावन तेरे आग की लपटें, तेरे आग के शोले तेरे लोगों पर आए उतरे। हर अधार्मिकता को, हर गुनाह को, हर नशे को, हर कमजोरी को, हर चिंता फिक्र को निकाल के भस्म कर दे। इन द नेम ऑफ जीसस, एवरी डीमन दैट कम अगेंस्ट योर पीपल, दैट ब्रिंग सिकनेस, डिजीज, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, लीव इन जीसस माइटी नेम, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। right now, Father, send forth your angelic celestial being in this place. खुदावन तेरे पाक फरिश्ते हमारे साथ परस्तिश में लग जाए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शू अपने लोगों को, हर अपने मस्सा के साथ, हर अपनी अनॉइंटिंग के साथ, तेरा अभिषेक, तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति, तेरी कुवत हमें भर दे खुदावन। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, तेरा दिव्य प्रकाशन, तेरी दिव्य स्पर्श हम तक पहुंचे खुदावन। Let your divine touch reach us, Lord. Let your divine revelation reach us. शू अपने लोगों को खुदावन। Touch your people. शू अपने लोगों को। Touch your people, Lord. आज कुछ नया हो खुदावन। Let there be something new that takes place. आज एक नई शुरुआत हो। Let this be a new beginning. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. Be free and be healed and be free in Jesus. Chungarapai or chungaipai. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We worship you. We worship you. We adore you. हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, हम आपकी मदा सराई करते हैं। ऐ खुदावन, तू आ हमारे बीच में, हम पर कृपा कर, फजल कर, अनुग्रह कर। Have your mercy upon us, Lord. सारा दर जलाल, सारी महिमा यीशु के सामर्थ्य नाम का हम देते हैं। We give all the honor and glory to the power and mightyful name of Jesus. Amen and amen. तालियों के साथ यीशु के नाम को जलाल दे जरा। Let's clap unto the Lord and give him all the glory. Thank you, Holy Spirit. Amen. कृपया बैठिएगा। Please be seated. आज एक खास विषय प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है। There's a special topic that God put it in my heart. और it's been long time, ये जिंदगी का हिस्सा है। ये बहुत देर से है और it's part of my life. और ये गर्व करने की बात है कि हमारा खुदावन जो है वायदों का पक्का है, वफादार है, विश्वास योग्य है। It's to be proud of and to boast that God is faithful to his promises. अगर आप लिखते हैं, If you're writing, तो टाइटल लिखिएगा। Then you must write this title. ठीक है, faithfulness. खुदा की वफादारी। Yeah, वफादारी, विश्वास योग्यता। His faithfulness. खुदावन जो है वायदों का पक्का है। God is true to his promises. कहने में जो कह दिया वो उसको पूरा होना है। What he has spoken, it has to come to pass. तो यीशु की, खुदावंद की, पवित्र आत्मा की, उसके वचनों की जो वफादारी है वो सुपरसीड एवरी अदर थिंग्स। गॉड्स
the Holy Spirit and Jesus's words, it supersedes everything else. Yeshu kehte kal aaj yugan yug mein ek saman. Jesus says that yesterday, today and forever I'm the same. Vaidon ka pakka hai. He is true to his promises. Wo wafadar hai. And he is faithful. Jeremiah ki kitab mein likha hua hai. In book of Jeremiah. Ke khudaavan jo keh deta hai usko pura karta hai. It says that what God says He brings it to वो pass. अपने मन से फिरता नहीं. He doesn't change. यशाया 55 में लिखा हुआ है. In Isaiah 55 it says. जैसे आसमान से मैं बरसता है, जमीन की सिंचाई करता है. Just as the water falls from the heaven. और उसी तरीके से मेरा शब्द एक बार मेरे मुंह से निकल गया. And irrigates the ground similarly. वो अपना काम पूरा करके आएगा. From my mouth will come to pass. खाली कभी नहीं लौटेगा. It will accomplish and won't return void. वो कह दिया जो उसको पूरा करेगा. What he has spoken, it will come to pass. वचन लड़खड़ाएगा नहीं. The word won't deviate. मत्ती की इंजील में यीशु कहते हैं. In book of Matthew, Jesus says. आसमान जमीन टल सकते हैं. This heavens and earth can pass away. पर मैंने जो कह दिया वो बात पूरी होगी. But what I have spoken, it will come to pass. जो कहा है उसको पूरा होना है. What I have said, it will come to pass. हम ऐसे खुदावन की प्रस्तुति करते हैं. We worship such a God. जो वफादार है. Who is faithful. वायदों का पक्का. He's true to his promises. जो जेनेसिस में कहा है रेवलेशन तक वही बात जो है कायम रहती है. Whatever he's spoken from Genesis to Revelation, everything sustains and maintains. बाइबल में किताब है जिसे लेमेंटेशन या विलाप गीत कहते हैं. There's a book in the Bible which is called Lamentations. जर्मिया नबी के द्वारा लिखी हुई है. It is written by the prophet Jeremiah. Chapter 3 उसकी 21, 22 और 23 तीन हवाले पढ़ते हैं. We'll read chapter 3 verse 1, 2 and 3. 21, 22 and 23. ठीक है, 21, 22, 23 हवाला पढ़ेंगे मिलकर जो है सीखेंगे हम लोग. We'll read together and learn. हाँ जी, कौन? मैं अपने दिल नाल सिमरदा हां, इसलिए मेनू आसा है. हाँ, ए यहोवा दी दया है कि ओके, मैं ये दिल से कहता हूं और ये मेरी जो है मन की अपेक्षा है, उम्मीद है, होप है. आई से इट फ्रॉम ऑल माई हार्ट एंड इट इज माई हार्ट्स डिजायर एंड होप. मेरा माइंड ये कहता है. माई माइंड सेज दैट. मेरे दिल की ये उम्मीद है. दैट इज द होप ऑफ माई हार्ट. क्या है उम्मीद? व्हाट इज द होप? हाँ, ए यहोवा दी दया है कि असी मुक्के नहीं. उस दा रहम अटुट जो है. ओ हर सवेर नू ताजा हन. तेरी वफादारी वड्डी है. प्रभु दा दया, उसकी कृपा अटुट, अटल और एवरलास्टिंग, इटर्नल है. God's compassion and grace is everlasting, it never fails. Uski kirpa, uska fazl, uski anugrah kya hai? Hamesha tak bani rehndi hai, wo wafadar hai. His mercy, compassion remains forever. Har subah nahi ho jati. And it renews every morning. Kal galtiyan kari. If we've made mistakes yesterday. Kal kuch humse chook gaye hum kahin par. If we have done any mistake. Jo kal khudaavan ko gussa tha. And whatever God was angry about. Khudaan kehta maine khatam kar diya. He says that I put it to end. Every morning uski kripa nahi ho jati. Because every morning his grace is renewed. Kitna khudaavan wafadar hai. God is so grateful. Pichle week jo humse jo galtiyan hui hai. Whatever mistakes we've made last week. Pichle week jo hum pura nahi kar paye. Whatever we couldn't do last week. Insaan yaad rakhta hai. People remember. खुदावन कहता है हर दिन, हर सुबह मेरी कृपा नहीं हो जाती. But God says that every single morning my grace is renewed. इतना अच्छा खुदावन मिलेगा क्या? Would you find such a good God? जो खुदावन हमारी गलतियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है. A God that does not keep a record of our mistakes. वो हमारे गुनाहों की गिनती नहीं रखता. He doesn't count our sins. मजहब सिखाता है. Religions teach. कि जो किया है करनियों का भुगतना पड़ेगा. You'll pay for your deeds. प्रभु कहता है. But God says. जो कुछ किया मैं माफ करने की ताकत रखता हूं. Whatever you've done, I have the power to forgive you. मज़हब पकड़ना है या खुदावन को पकड़ना है? Are you gonna get hold of the religion or God? हर दिन, हर सुबह कृपा नहीं हो जाती. Every single morning, His grace is renewed. पास में क्या हुआ है? What had happened in the past? पिछले साल क्या हुआ? What happened last year? पिछले वीक क्या हुआ? What happened last week? एक रात पहले क्या हुआ? What happened yesterday? जो गलतियां, गुनाह खुदावन सब माफ कर देता. All your mistakes are forgiven by God. हमारी कई चीजों में हम जब चूक जाते हैं. In anything that we, you know, we become short. प्रार्थना नहीं हुई, संगत नहीं हुई, पूरा नहीं उतरे हैं. We don't pray, we don't read the Bible.
यर्मिया कहते हैं, Jeremiah says, मेरा मन ये कहता है, my heart says, मेरा दिमाग ये कहता है, my mind says, मेरी पूरी ये होप है, and that's my complete hope, खुदावन वफादार है, that God is faithful. Hallelujah. Hallelujah. ये नहीं कि मन कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है और मुंह कुछ और कह रहा है. It's not that the mind says something, the heart says something, and पूरे the mouth says दिल something से इस बात का यकीन है, he has complete faith, कि परमेश्वर वफादार है, that God is faithful. मलाकी की किताब में लिखा है, in book of Malachi, हमारा खुदावन अनचेंजिंग ना तब्दील परमेश्वर है. Our God is an unchanging God. बदलता नहीं. He doesn't change. यकूब के खत में लिखा है. In book of James it says. खुदावन जो हमारा पिता परमेश्वर है. God who is our Father. वो जो है उसमें कोई फेर बदल नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है, कोई शैडो की तरह बदल नहीं जाता. He doesn't change like shifting shadows. He doesn't change at all. वो सीजन की तरह बदल नहीं जाता. He doesn't change like seasons. लोग कई बार सीजन की तरह बदल जाते. People tend to change like seasons. हमारा मूड बदल जाता. Even our mood changes. हमारे कुछ कल कुछ और लाइक करते थे, आज कुछ और लाइक करेंगे. Yesterday you liked something else and today you're liking something else. चेंज हो जाते हैं लोग. It changes. People change. खुदावन अनचेंजिंग है. But God is unchanging. हमेशा के लिए, He is there forever. सदा काल के लिए. He is there forever. ऐसे खुदावन की हम प्रस्तुति करते हैं, such a God, जो सृजनहार रचेता आज कल युगन युग एक समान, who is the creator and maker and he is to, same yesterday, वो बदलता नहीं है. He doesn't change. In fact, उसकी नजदीकी में आए तो हम बदल जाते हैं. In fact, when you grow in his closeness, हमारी जिंदगी बदलती है. Our lives change. हमारी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. इतनी सामर्थ कुवत है, there is such power and उसकी हजूरी में बैठने से लोग बदल जाते हैं. Sit in his presence, people start to change. बदल जाते हैं. Your situation tends to change. स्वभाव बदल जाती है. Your nature tends to change. इंसान की तबीयत बदलती है. And your nature tends to change. क्योंकि वो बदलने की ताकत रखता है. Because he has the power to change. यीशु मजहब नहीं बदलता है, ज़िंदगियाँ बदलता है. Jesus doesn't change your religion, he changes lives. परिवारों के हालात बदलता है. He changes the situations of the family. स्वभाव बदल देता है. He changes your nature. हमारे आर्थिक परिस्थितियाँ बदल देता है. He changes the financial situations. आपके मूड को बदल देता है. He changes your mood. जो इंसान बदलता नहीं है, the person that is unable to change, खुदावन बदल देता है. God has the power to change that person. कई बार लोग कहते हैं, sometimes people say, फलाने दा स्वभाव बड़ा कब्बा है. You know, this person has बड़ा a very गुस्सा bad nature. करता है. You know, they have बड़ा very angry. क्रोधित है ये. They're full of anger. इस दा डैडी भी इतना दा ही. His dad was just like that. नानी भी इतना दी ही. Even the grandmother. दादी भी इतना दी. Even the grandmother. सारी दुनिया कठी करी जाओ. And they start gathering everyone. मैं तुम्हें दसना चाहना है. But I want to tell you. आप यीशु दे कॉल आओ. When you come to Jesus. पुरानी हिस्ट्री जो मर्जी होवे नवा बदल दूंगा खुदावन. You may have whatever history you have, but he will renew. आपके बाप दादा कुछ भी कैसे क्यों ना हो, no matter how your forefathers were, खुदावन में आने में ब्लड लाइन चेंज हो जाती है. Come in God, जब खून बदल जाए तो स्वभाव भी बदल जाएंगे. And when your blood changes, your nature तबीयत changes, बदल जाएगी. Your nature changes, जिंदगी बदलेगी. Your life changes. आप अपनी जो है ब्लड लाइन अपने बाप दादों से नहीं, अपने खुदावन के साथ जोड़ेगी. Your blood line will be connected to your father, आपका not your forefathers. डॉक्टर किसी और ब्लड लाइन को चेक करता है. Your doctor checks your blood line. चेक करता तेरा ब्लड. When they check your blood, लैब च जांदा है. You know they go in the lab. फिर वो कहंदे ने. And then they say. तेरे दादे नु की होया सी. What happened to your grandfather? डैडी नु की होया सी. What happened to your father? मम्मी नु की होया सी. What happened to your mother? वो हिस्ट्री पढ़दे ने. They start to read the history. उत्थे एक असिस्टेंट हुंदा है. There's an assistant. खाली थां भरदा है. And then he fills the empty space. आपकी मेडिकल हिस्ट्री में क्या था? What is in your medical history? तुसी दसना शुरू कर दे. And then you start to tell. सोचना शुरू कर दे. And then you start to think. अच्छा साडी फैमिली च ब्लड प्रेशर हैगा. Oh, we have blood pressure in our family. ओ जी डायबिटीज है. We have diabetes in our family. फलाना हैगा. And then we have this. बीमारियां चेते करांदे ने. Then they start reminding all the sicknesses. जिन्हें तानुम नहीं याद, वो डॉक्टर ने तानु याद करानी, पूछ-पूछ के पूछ लेना तानु. Which you don't even remember, the doctor makes you remember all those sicknesses. उसके साथ क्या हो जाता है? What happens with that? आपने माइंडसेट तैयार कर लिया है. Then you prepare a mindset. अच्छा मम्मी नु किदो होया सी? You know, I start to think when it happened to mom. मासी नु किदो होया सी? When happened to my aunt? वो तानु मेंटली तैयार कर देता है. They start to prepare you mentally. पुत्र रेडी हो जा, तेनु भी होण वाला जी. That you are soon to get it as well. आपने क्या करना है? What are you going to do? अब मेरे डैडी खुदावंद है. That my God, my father now अब is मेरे अंदर यीशु का लहू है. I have the blood of Jesus. सलीब पर क्रूस पर उसने बहा दिया. And which he shed it on the cross. मैंने तौबा करके उसको एक्सेप्ट कर लिया है. I've repented and accepted. और अब मेरी ब्लड लाइन चेंज हो गई. And now my blood line has changed. Everything changed. सब कुछ बदल गया. Old has gone. पुरानी चली गई चीजें. And everything has become new. और सारी चीजें नई हो गई. अब मैं यीशु में नया हूँ. Now I'm new in Jesus. अपने पुराने गुस्से वाले स्वभाव को मत याद रखें. Don't remember your anger issues. अपनी गलतियां मत याद रखें. Don't remember your mistakes. अपनी बीमारी की विरासत को मत याद रखें. Don't remember your diseases. आप यीशु की क्रूस को याद रखें. Just remember the cross of Jesus. उसने बदला है. That he has changed you. उसके बदलने से and because of that हो चुका हूं. I have become new.
हालेलुया हालेलुया खुदावन बदलने आया है God has come to change जिंदगी बदलेगी He's come to change हालात बदलेंगे your situation financial situations बदलेंगे your financial situations कईयों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं when I pray with some people पूरा एटमॉस्फेयर ही खराब कर देते हैं then the whole atmosphere ruins एक बार उन्हें स्टोरी मैंने सुनानी है one time they start telling मिनट बाद फिर वो स्टोरी सुनानी है and 5 minutes later they tell मैं प्रेयर करने लगता है when I'm start to मैंने रोक देते हैं they stop आंदे जे स्टोरी खत्म नहीं होनी फिर वही सुनानी मैंने end the story and then they restart the usually story usually मैं कट सुनता हूं usually I don't really pay attention that much रोजी मेरी वाइफ ज्यादा सुन लेती है my sister तो फिर कभी-कभी पता कोई लोग कहते ने you know what they say पास्टर ना कहीं मजा नहीं आता सिस्टर को सुनाने you know we don't enjoy with the pastor so we'll tell the sister I listen less very less मैं बहुत कम सुनता हूं एक तो मैं बोलता कम हूं First I speak less. और दूसरा मैं सुनता कम हूँ. And I listen to less. मिनु है 1, 2, 3 get out जो भी है कहानी खत्म यीशु के नाम में जो बदलना चाहिए. You have to be quick with me in the name of Jesus. You should change. ज़्यादा अपनी जो है sad story मत repeat करते रहो. Don't go on about your sob stories. जितना आप उस पर मनन करेंगे. The more you'll meditate on जितना it. जितना सोचेंगे. The more you'll think about it. वो आपको छोड़ेगी नहीं. Then they won't leave you. और आप उसको add करते रहेंगे. And then you keep adding on to it. जाने अनजाने में आप बीमारी को glorify करते रहेंगे. Knowing unknowing You'll glorifying आप शैतान को ग्लोरीफाई करते रहेंगे आपको ये जानना है you need to know. Past, past है past is past. Present में कुछ नया होगा and in present, something new present will happen. में कुछ नया जो होगा and something new will उससे फ्यूचर नया हो जाएगा हालेलुया पास खत्म हो गया लीव द पास्ट आप कहें यीशु में मैं नया हो चुका you should say that in Jesus, जब से मैंने यीशु को पाया है since I've got Jesus, जिंदगी बदल गई है my life has changed. अगर नहीं बदली है and if it's not changed, तो मैं आपको बताता हूँ then I want to tell you, कुछ एरिया है जिंदगी का जो आपने सरेंडर नहीं किया there मैं आपको is बता certain area that you haven't surrendered आप yet. यीशु में आगे हैं you have come in पर Jesus, कुछ एरिया बदला नहीं but है certain areas that इसका मतलब ये नहीं कि यीशु में ताकत नहीं है it doesn't imply that Jesus doesn't have power. इसका मतलब ये है कि वो हिस्सा भी आपने अपने पास रखा है that part, you still उस have it एरिया to yourself. को आपने सरेंडर नहीं किया उसमें आपने यीशु को आने नहीं दिया you haven't invited Jesus उसमें into आपने पाखरू को आने नहीं you दिया haven't invited the Holy जिस Spirit दिन into वो एरिया में यीशु आएगा the moment that Jesus comes into वो that area, एरिया भी बदल जाएगा then that area will be transformed as well. सरेंडर करना हमारा काम है इट इज आवर ड्यूटी टू सरेंडर बदलना यीशु का काम एंड टू चेंज इट्स गॉड यीशु वफादार है जीसस इज फेथफुल जो कह दिया है व्हाटएवर ही स्पोक वो करेगा ही विल डू इट वादों का पक्का है ही ट्रू टू हिज प्रॉमिसेस बाइबल में दो हिस्से हैं देयर इज टू पार्ट्स इन द बाइबल पहला कहते हैं पुराना नियम फर्स्ट इज द ओल्ड टेस्टामेंट दूसरा है नया नियम Second is the New Testament नियम का मायना यह है यू नो व्हाट द टेस्टामेंट मींस कि खुदावन की वाचा His covenant, खुदावन का अहद, His covenant, खुदावन ने जो कह दिया है, whatever He has spoken, उसका मतलब ये है, it means कि खुदावन वायदों का पक्का है, that God is true to His promises. वो अपना अहद रखता है, He keeps His covenant. उसने पुराना भी रखा है तो नवा भी रखे He keeps the old and the new one as उसने well. उसने पुराने में कहा था, in the old He said, कि मैं सेवियर भेजूंगा, that I'll send a savior. नए में उसने भेज दिया, and in the new He sent it. Amen. Amen. पुराने में उसने कहा था, in the old He said, कि तुम्हारे बच्चों पर बुजुर्गों पर मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा नए में उसने भेज दिया पुराने में उसने कहा था कि तुम चिन्ह चमत्कारों को देखोगे तुम्हारी जिंदगियां बदलते हुए देखोगे नौजवानों को बदलते देखोगे नए में उसने करके दिखाया जो इसलिए उसने पुराना भी रखा है नया भी रखा है कई लोग कहते हैं पुराना पढ़ते ही नहीं है ताड़ी प्रॉब्लम है खुदावन की उन्हें पुराना भी रखा ही तो नवा भी रखे पुराना आपकी यादगिरी में है कि जो खुदावन पहले वफादार है आज भी वफादार है वो वफादार है पढ़े उसके वायदे को एक पढ़े हवाला मैं चाहता हूँ कि आप पाक कलाम से पढ़े जरा आई वांट यू टू रीड फ्रॉम द होली पवित्र शास्त्र बाइबल में से लेट्स रीड फ्रॉम द बाइबल कि एक हवाला है जिसे हिब्रू कहते हैं चैप्टर 13 वर्स 8 को निकाले जरा फ्रॉम द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8 हाँ जी कोई भी जन बुलंदवास से फिर मैं न्यू टेस्टमेंट में हाँ यीशु मसीह कल आज और युगन युग क्या है एक समान Jesus Christ is the same yesterday and today and forever हमेशा के लिए forever आज से लेके हमेशा तक from today until forever वो कभी अपने वायदों से मुकरता नहीं he will not go back from his promises अब एक ओल्ड टेस्टमेंट से पढ़ते हैं let's go to old testament व्यवस्था विवरण Deuteronomy chapter 7 and verse 9 Deuteronomy chapter 7 verse 9 हाँ जी
वो वफादार है, विश्वास योग्य परमेश्वर है. He is faithful. He is a faithful God. ठीक है, ये याद रख. You need to remember this. ठीक है, इस बात को स्मरण करना, remember करना, मन के अंदर बिठा लेना है. You have to place it in your heart. You have to remember it. तेरा खुदावन, that's your God, के मेरा खुदावन, and my God, विश्वास योग्य है. He is faithful. उस पर कभी भी संदेह और शक नहीं करना है. Never have any doubt. जो कह दिया है पूरा होगा. What he has spoken, it will come to pass. कई बार बातें देरी से हो जाती हैं. Sometimes there's a delay. पर God is never late. पर परमेश्वर कभी देरी नहीं करता. हम समझने में देरी कर लेते हैं. Sometimes we are delayed in understanding. Always on time है. But वो हमेशा समय पे होता है. वो अपने वायदों का पक्का है. He's true to his promises. अपने वक्त का पक्का है. He's true to his time. जैसा वो कह रहा है वो अपनी मर्जी से करेगा. However he speaks, he'll do it that way. अब जो हमारी कुछ जिम्मेदारी है पवित्र शास्त्र कहती है. Now we have certain responsibilities. दूसरा तिमोथियस निकाले जरा. We'll turn to 2 Timothy. और उसका पहला चैप्टर. And we'll turn to chapter 1. ठीक है, दूसरा तिमोथियस उसका पहला चैप्टर. 2 Timothy chapter 1. ऑलराइट, जिसको मिल गया है उसकी छठी आयत से पढ़ते हैं. We'll read from verse 6 onwards. ओके. इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूं. हम पांचवी से पढ़ देते हैं, चैप्टर 1 वर्स 5 से पढ़ देते हैं. मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है. हाँ, तेरे फेथ की, तेरे ईमान की याद आती है. आई एम रिमाइंडेड ऑफ योर फेथ. पॉल राइटिंग टू तिमोथी, क्या कह रहा है? पॉलस तिमोथी को लिख रहा है यहाँ पे. और क्या, क्या कह रहा? की याद आंदा है? What he's reminded of? तेरा ईमान के बारे में याद आता है. I am reminded of your faith. कई लोग तुम्हारी गलतियां याद कर दे. Some people are reminded of your mistakes. जो आपसे चूक गया उसको याद करते. Whatever, wherever you fell short, जेल से लिख रहा है. Paul is writing from prison. बेटा तेरे ईमान की याद आती है. Son, I am reminded of your faith. May the Lord remember your faith. परमेश्वर आपके faith को याद रखे, विश्वास को याद रखे. हमारी बेवफाई नहीं. May he not remember your betrayal. हमारी वफा को याद करे. May he remember your faithfulness. इतना वफादारी दिखाएं. Show such faithfulness. इतनी विश्वास योग्यता दिखाएं. Show forth such faithfulness. जेल में से पॉलस खत लिखकर कहता है. When Paul writes from the prison. Young man के लिए लिख. He's writing to the youth. Timothy एक नौजवान है. Timothy is a young man. उसको याद कर रहा है. And he's. हमारा फेथ इतना इम्प्रेसिव हो. That our faith be so impressive. हमारी ईमानदारी इतनी जो प्रभावशाली. Our faithfulness should be so impressive. हमारा विश्वास इतना असरदार हो. Our faith should be so impactful. कि दूर बैठे हुए लोग याद करें तो हमारे कर्मों को नहीं, हमारे ईमान को लोग याद करें. That people that are sitting afar from us, they might not remember our remember mistakes, your faith, young man. वो बोलें कि हम तेरे विश्वास को याद करें. कौन सा फेथ है, पढ़े जरा. Let's read what kind of faith it is. कौन सा? जो पहले तेरी नानी. ओह, अंग्रेजी 14 गुण लिखा है. ठीक है ना, पंजाबी हिंदी च जो मर्जी है. मैं ओरिजिनल. ओके, को है जी कोई. आओ देखो, आए हैं सिंसियर फेथ है ना. लेवल है फेथ के भी. देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ फेथ. एक लैंग्वेज में लिखा है जेन्युइन फेथ. देयर इज अ लेवल व्हिच इज अ जेन्युइन फेथ. ठीक है, आज जो है चीजें ऐसी होती हैं बिल्कुल रियल जैसी होती. यू नो टुडे थिंग्स आर लाइक जस्ट रियल. कोई मैंने दस रहा ही. समवन वाज टेलिंग मी कि किसी ने ऑनलाइन फोन ऑर्डर करता, आईफोन नमा. समबडी ऑर्डर्ड अ फोन, एन आईफोन फ्रॉम ऑनलाइन. ठीक है, मैं दसना नहीं केड़ी कंट्री तो, पर जदों निकलया ते बिल्कुल रियल वर्गा पे है और रियल नहीं सी. व्हेन ही रिसीव्ड इट, इट लुक्ड लाइक रियल बट इट वाजंट रियल. ठीक, देखने नु चीजें जरिया ने अनरियल वी रियल जिजी. Sometimes when you look at things, the fake looks real. Genuine भी उधर सामने कई बार फिक्का पहन जाता है. Sometimes the genuine thing looks, you know, fake. इतना दिखावा है कि कई बार real भी unreal और जो unreal वो real लिखता है. Sometimes the unreal looks real and the real looks unreal. Timothy के बारे में वो कह रहा है. He's talking about Timothy. बेटा तेरे genuine sincere faith की याद आ रही है. Son, I'm reminded of your genuine, your sincere faith. Sincere faith. Your sincere faith. तेरा ऐसा विश्वास. Your faith.
जो वफा से भरा हुआ, which is filled with faithfulness, जिसमें sincerity है, there is sincerity in there, ठीक है, unshaking faith, it's an unshaking, ना हिलने वाला विश्वास, ऐसा ईमान है वो, it is such a faith, जिसमें जो है बड़ी integrity, जिसे ईमानदारी पाई जाती, there's a lot of integrity found in there, ठीक है, may the Lord help us to carry such faith in our life, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम ऐसा विश्वास अपनी ज़िंदगी में, खुदा तो वफादार है, God is faithful, अगर हम उसके बच्चे हैं, and we are His, अगर हम उसकी संगत हैं, we are His, हमारे अंदर भी ऐसा ईमान हो, फिर we should have such faith as well. बच्चे माँ बाप ते जानते ने, kids tend to follow the footsteps of बड़े जन, इसके बारे में क्या लिखा है, what it says over here, let's read, ओ वाला faith, that faith, जो पहले तेरी नानी लोइस, मैं क्या है, बच्चे कितने जानते ने, who do kids follow, नानियां खुश हो रही है, the maternal grandmother, और तेरी माता यूनिक, ओ लो जी मम्मी का भी नाम आ गया जी, नाउ हियर रिसीव द मदर एज़ वेल, हैप्पी मदर्स डे, और मुझे निश्चय है, ओह नो 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 नो, मे यू इंप्रेस योर फेथ योर चिल्ड्रन एंड टू योर ग्रैंडचिल्ड्रन, आप अपने विश्वास को अपने बच्चों पे इंप्रेस करें, बच्चों के बच्चों, बच्चों के बच्चों पे भी, काफी नहीं है आपका काफला खत्म नहीं होता, it doesn't stop right there, aapka jo iman ki journey khatam nahi hoti, your faith journey doesn't end, aap buzurg ho jaye par aapka iman utna hi powerful aur sargam rahe, you might be elderly but let your faith be full of fire, aur log kahe, and may people say, yaad aata hai, we are reminded, nani dadi ki yaad aati hai, we are reminded of your grandmother, dada nana ki yaad aati hai, we remember of a grandfather, woh faith aap par, aapke bachchon par, fir aage unke bachchon par carry on kare, may that faith be carried from your kids to their kids and to their kids, itna wafa se bhara, may it be filled with such faith, itna imandari se bhara, may it be filled with such faith, itna genuine hai, it is so genuine, it's being carried on from generation to generation, ki woh ek peedhi se dusri peedhi tak, hallelujah, amen, ke bewafa se log nahi, it shouldn't be like a khudavan ko wafadar log chahiye, god wants the ones that are faithful, yes, khudavan chahta hai, god wants, kahin ladkhadaye, if you are deviated, uth khade ho, you should get up, dobara se pick up kar lo, you should pick up yourself, vani kehti hai, the word says, dharmi jan saat bar girega, khudavan dobara se khada karega, the righteous may fall seven times but god will help him up, nikka bachcha dig janda na, you know when the little child falls, bachcha gabbe dig pe इधर गिर गए, when kids fall right here, रोई जाना, you know they start to cry, और दो चार आके चक्कन गए, you know there's few people that come and puppy जफी जी करन गए, and then the pamper, फिर जाके खुश होना है, then the child feels better, कितने गलती से कोई बड़ा गिर जाए, and by mistake if an older person falls, बड़े ने उठ के इतना एक्टिंग करने की, मैं डिगे नहीं, मैं तो उधर में जाकर है, that elder person will act as if he didn't even fall, कदे होया था ना, did that ever happen with you, अचानक ना तो डिग जो कदे, all of a sudden you slip and fall, तो आप खड़े हो जा, you get up all of a sudden, इधर उधर जा, and then you turn around to see has anyone looked at me, हम चल रहा हूँ मैं, डिग नहीं मैं, and then you start walking as if you didn't even fall, ये है बच्चे और बड़े में फर्क, that's the difference between a child and an older person, जब बच्चा गिरता है, when the child falls, उसकी एज के मुताबिक वो जायज है और ठीक है वो, according to his age how he acts is fine, पर जब बड़ा गिरता है, but when the older one falls, वो खड़ा हो जाता है, they have to stand up, और pretend करता है कि मैं गिरा नहीं बल्कि और जोर से फिर चलना शुरू करता है, they pretend that they haven't even fell and they start walking more powerfully, मैं स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ, I'm talking about the spiritual things, कुछ गिर जाते हैं, some people fall, आत्मिक तौर पर गिर जाते हैं, they fall spiritually, गिरे रह जाते हैं, and then they are right there, और वेट करते रहते हैं, and they wait, कौन आके खड़ा करे, they'll wait for someone उनको to help lift them up करे, who's gonna lift कौन them आके up? फिर उनको pamper करे, who's gonna come and pamper, और वेट करते रहेंगे, and they keep waiting, मैं गिर गया सी, आपको उठना चाहिए और खड़ा होकर दौड़ना शुरू करके पता नहीं लगे तू डिगा Nobody should be even aware that you fell. You should just get up and walk. अगर आप मैच्योर हैं, खुदावन में परिपक्व हैं, रूह में मजबूत हैं, if you're mature and you're strong in God, खपना पाओ के डिग पे हो, then just don't make a chaos. वेट ना करो कि सारे संगत आके तानो चकदी रहे. Just don't wait for people to come, the whole fellowship to come. कहीं लड़खड़ाए हो,
उठ खड़े और दौड़ना शुरू कर। If you have deviated a bit, just get up and start running. वो लिखा है। That's what it says. धर्मी जन रास्तवा सात बार भी गिरेगा, खुदावन दोबारा से खड़ा करेगा, कोड़े वांग दौड़ना लग पे। The righteous will fall seven times. God will help him get up. Amen. Amen. वो खुदावन की मर्जी है। That is the will of God. कि आप वहाँ टिके ना रहें। That you should not be over there sitting. यहाँ पर वो क्या कह रहा है? What is he saying here? मुझे याद आता है तेरा faith. I am reminded of your faith. और जेल से लिख रहा है. And he's writing from prison. और जेल से क्या कह रहा है? And what is he saying? याद आता है मुझे. I am reminded. तेरा faith तेरी मम्मी और तेरी नानी का भी यही था. I am reminded of your faith that your mother and grandmother. तेरा खानदान मुझे याद आता है. I remember your entire family. मेरी प्रार्थना है. My prayer is. कि आपका खानदान खुदा के घर में इतना हो के पास बन आपको याद करे. That your household should be so much in the house of God that generation the to generation serving in the house of God. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक generation दूसरी generation को impress करे. One generation should impress the other generation. आगे पढ़ें इस बंदे के बारे में. Let's read further about थोड़ा आगे चले जाते हैं. Let's go a bit further. Chapter 4 में आ जाते हैं. Go to chapter 4. 4 chapter में आएं जरा. हाँ ये लिख रहे हैं यही जरा. ठीक है. Chapter 4 में आते हैं. We'll come to chapter 4. और उसकी जो है एक बारहवीं आयत भी पढ़ते हैं. We'll read verse 12. Okay, नौवीं आयत से पढ़ते हैं. हमें बीच में कुछ और आयतें पढ़ानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. Let's start from verse 9. हाँ जी. मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर. हाँ जी. क्योंकि दोमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया. एक बंदे का नाम लिखा उन्हें खत दे विच. There is a name written over here in this letter. ठीक है. पौलुस एक आदमी का नाम लिख रहा है, लिखित तौर पर बाइबल में दर्ज उसका. Paul is writing over here and it's recorded in the letter. हमारा साथ खिदमत करने वाला सेवक देमास. Our companion Demas. Who was one of us. जो हमारे में से एक था. He used to serve. वो हमारे साथ खिदमत करता था. पौलुस के साथ खिदमत करने वाला एक फेलो सेवक. He was a fellow server with Paul. उसके बारे में लिखता है. He's writing about him. Timothy, एक बंदा जो हमारी टीम का है. Timothy, a person from our team. बेवफा हो गया. He's betrayed us. दुनिया से मोहब्बत ज्यादा कर ली. He has started loving the world और more, अपना ईमान छोड़ दिया. And he has given up his faith. वफादारों का भी नाम है. There is names एक बेवफा शख्स का नाम भी लिखा हुआ. And there is an unfaithful person. एक आदमी साथ सेवा करता था. There's a person that used to He was so good and बड़ा अच्छा था. वो बहुत अच्छा था. He was very पर good. उसने दुनिया को ज्यादा मोहब्बत करके छोड़ के निकल गया. But he started loving the world more and he deserted us. कुछ शुरुआत करते हैं पर कुछ समाप्त करते हैं अच्छी दौड़ को. Some people begin well but they don't finish well. देमास शुरुआत करा है. Demas was the person पर who बीच started रास्ते well. छोड़ के चले गए. Midway he left. ईमान छोड़ दिया. He left his faith. उसने क्या किया लिखा दुनिया से मोहब्बत करने लग पाया. What did he do? He started loving the world more. Began good. वो उसने शुरुआत अच्छी करी. But could not fulfill or accomplish at the end. वो पर पूरी अपनी दौड़ नहीं कर पाए. पर आगे पढ़े ले. हाँ जी. और थिस्सलोनिको को चला गया. हाँ हाँ. क्रेस्केंस गलातिया को. हाँ हाँ. और तीतुस दलमातिया को चला गया. हाँ हाँ. लेकिन ओके, एक और बंदे का नाम है, वर्स 11 पढ़े जरा. लेकिन लुका. हाँ हाँ. मेरे साथ है. ये लुका पता कौन है? You know which Luke is this? जिसने लुका की इंजील लिखी. The one that wrote the Gospel of Luke. उसके बारे में सुने यार क्या कह रहा है Paulus. See what he writes over here. हाँ जी, लुका. हाँ जी. मरकुस को लेकर चला. ये मरकुस वही है. दोनों लुका भी वही है, मरकुस भी वही है जो अंजीलों को लिखने वाले. These are the same Luke and Mark who wrote the Gospels. ठीक है, इनके बारे में क्या लिखा है? हाँ जी. क्योंकि सेवा के लिए. हाँ. ये मेरे बहुत काम का है. ये सेवा च ए नौजवान मेरे बहुत क्या काम दे बंदे. They have been of great help in the ministry. Amen. वफादारों का नाम लिखा हुआ है. You see the names of the faithful people. मरकुस बड़ा अच्छा है. Mark is great. लूका बहुत अच्छा है. Luke is good. आगे एक और बंदे का नाम लिखा है टिकिकस. There is another name that's written over here. टिकिकस. है ना? कैसे नाम में सुने नहीं, बड़ा अजीब जना है. It's a very different name. ठीक है. पर ये वो शख्स था जो पौलुस के खतों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने थे. He was the person that carried Paul's letter from one place to another. He was not a preacher. वो प्रचारक नहीं था. He was not a teacher. वो टीचर नहीं था. He was not a prophet. वो एक भविष्यवक्ता नहीं था. पर उसकी खिदमत थी.
But he has this Paulus ministry. खत लिखता, Paul will write letters. ये चर्चस में लेके जाता. And he would take it to the churches. और उसका नाम भी वहाँ पर मेंशन. And his name is recorded here as well. खिदमत फर्क हो सकती है. Your ministry पर आप अपनी खिदमत में वफादार बने रहना, वही जो हैं मेन जो हैं. The main thing is that you remain faithful in your ministry and serving. उसी का नाम मरकुस और लूका के साथ लिखा हुआ. His name is written over here with Mark. कि ये वो वफादार लोगों में से हैं. They are one of those faithful people. विश्वास योग्य लोग हैं ये. The ones that are faithful. खुदा उनके वचन में प्रभु यीशु एक बार कहानी सुनाते हैं. In God's word, Jesus tells a story one time. मत्ती की इंजील 25 अध्याय और उसके 21 आयत में एक कहानी सुनाते हुए बताते हैं प्रभु यीशु. Matthew chapter 25 verse 21, Jesus tells a story. पढ़े जरा. हाँ जी, मैं चाहता हूँ पढ़े, फिर हम वापस इधर फिर आएंगे कैंप. Matthew 25 verse 21. हाँ. विश्वास योग्य वफादार सेवक जो थोड़े में वफादार है. Faithful servant who have been faithful in with the few. हाँ, मैं तुम्हें बहुत सारी वस्तुओं का जो है मोहतबर जुम्मेवार ठहराऊंगा. I will put you in charge of many things. जो थोड़े में वफादार नहीं वो ज्यादा में वफादार नहीं. If you're not faithful in little, then you won't be faithful with a lot. छोटी और बड़ी सेवकाई नहीं होती. It is not small or big. छोटा और बड़ा काम नहीं होता. It's not big or small deed. ज्यादा और बड़ी की बात नहीं है. It's not about doing big things. अगर थोड़े में वफादार होंगे तो ज्यादा में भी होंगे. If you'll be faithful in little, you'll be faithful in a lot. खुदावन्द यीशु कह रहे हैं Jesus जो says, थोड़े में वफादार हैं, the one that's faithful in और ज्यादा दिया जाएगा. He'll get more. Amen. Amen. आप थोड़े में वफादारी दिखाएं. You have to show faithfulness in little. छोटा जो दिया गया, whatever little you've जो been कम given, आपको मिला है, the little that you've been छुपा given, के नहीं रखना है, don't hide it away. उसमें वफादारी दिखानी है. You have to show faithfulness. The little God has given you. जो थोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया, थोड़ा finances है आपके पास, the little finances that you have, थोड़ी जो बरकत है आपके the पास, little blessings that you जो talent, जो gifting प्रभु ने दिया है, the talents and giftings जो वक्त आपको दिया है, the time he's given, जो मसा आपको दिया है, the anointing he's given, गवाही आपको दी है, the testimony he's given you, गवाही बड़ी या छोटी नहीं होती, the testimony is not big or small, सारी गवाहियां जो हैं सेम जो हैं मकसद के लिए होती है, every testimony has the same purpose, to glorify the name of Jesus, कि परमेश्वर के नाम को जलाल मिले, and edification of the congregation, और संगत की edification हो, ठीक है, यीशु को जलाल देने के लिए, it is to glorify Jesus, दूसरों की हौसला अफजाई ईमान की बढ़ोतरी के to लिए, encourage others faith, और शैतान को शिकस्त देने के लिए, and to defeat the devil. ये गवाही का मकसद होता है. That is the purpose of testimony. आप बीच में कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है. What are you गवाही में ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है? What is important in testimony? खुदा यीशु महिमा पाए. That Jesus receives all the लोगों glory. की हौसला अफजाई हो. People be encouraged. और शैतान को थप्पड़ लगे. And the devil would get a slap. कि यीशु वफादार है. That Jesus is faithful. कि यीशु पूरा करते हैं. That he brings things to pass. ये हमारा मकसद होता है. That is our purpose. खुदावन्द यीशु कह रहे हैं. Jesus says. थोड़ी में वफादार रहे. If you are faithful in little. जो कुछ मिला उसमें वफादारी दिखा. What you have received, मैं और ज्यादा दूंगा मैं आपको. I'll give you more. और ब्लेस करूंगा. I'll bless you more. ज्यादा की ख्वाहिश के चक्कर में जो थोड़ा है उसमें बेवफाई मत कर. Just don't go after desiring for more, but be faithful. Ecclesiastes की किताब में लिखा हुआ है, in book of Ecclesiastes, जो खुदावन के साथ वहाँ उस जहाँ जो भी आपने मन्नत मांगी है बोलकर कहकर उसको ना पूरा करे ये बड़ा गुनाह है खुदावन की निगाह. Whatever promises and pledges you've made with God, don't speak and then don't complete. पांच की चार और पांच Ecclesiastes सब उपदेशों की किताब में लिखा है. In Ecclesiastes chapter 5 verse 4 it says. लिखा है जो प्रभु के साथ जो आपने मन्नत मांगी, whatever pledge you've made, जो वायदे किए, the promises you've made, जो अहद बांधा है, you know, the covenant you've जो made, प्रभु के साथ आपने कहा था कि मैं प्रभु करूंगा, whatever you said to God that I'll do it, उसको पूरा ना करना गुनाह है. You need it's a sin if you don't complete it. आप अपने वायदों को खुदावन के साथ पूरा करें. You need to fulfill your promises with खुदावन God. खुदावन अपने वायदे पूरा करेगा. And he will fulfill his promises. पढ़ ले उसको हवाले को ताकि we याद रहे. We can go and read. वफादारी की बात हो रही है. It is about faithfulness. हाँ जी. हाँ. उसको देरी मत कर. मन्नत मांग ली कह दिया तो उसको क्या कह रहा? पूरा कर. When you have made a promise with God, don't delay. Complete it. पूरा करना है. You need to complete it. अब देखो दाऊद के और गुलियात की कहानी किसको याद है? Now you remember the story of David and Goliath? David and Goliath की कहानी किनको याद है?
Who remembers the story of David and Goliath? दाऊद ने एक बड़े राक्षस को, बड़े गुलियात को गिराया है. David brought down a big giant. पर उससे पहले उसने कुछ और काम किए थे. But before that he did something else. जब वो उसको मारने गया था, when he was there to hit him, तो वहाँ पर वो कह रहा है, there he says, कि मैंने पहले एक जो है भालू को और एक शेर को मारा. Before I have brought down a bear and a lion. उदे बारे किसी नहीं सी पता. And nobody knew that. और यहाँ पे मारता कहानी खत्म. You know he killed them and that's it, story over. पर वो ट्रेनिंग सी. But that was a training. Overnight गुलियात का सामना कर नहीं किया जाता. He was not there overnight trying to face Goliath. You faithful in the little. आपका विश्वास छोटा था. ठीक है, जब आप भेड़ बकरियां चार रहा था वो. When he was shepherding. उसने कईयों को मार गिराया. He brought down a lot. जो उसके फ्लॉक के खिलाफ आते. The ones that came against his flock. किसी को नहीं पता था. Nobody knew that. पर वो वफादारी के साथ कर रहा था. But he was doing it with faithfulness. एक दिन मौका आया. One day he got an opportunity. बड़ा राक्षस सामने. There was a big giant in front of him. और उसके साथ इनाम था. And there was a reward. जो उसको मारेगा. Whoever kills him. तो इनाम क्या है? What was the reward? के बादशाह की बेटी के साथ शादी होगी. That he'll get married to the king's daughter. टैक्स माफ होगा. And your taxes will be forgiven. और बादशाह का दामाद बन के घूमा फिरेगा. And you'll become a son-in-law of the king. Hallelujah. देखे जरा. Look at this. आप बादशाह की फैमिली में आ जाएंगे. You'll be added to the household of the king. थोड़े में पहले वफादार था. He was faithful with his little. पहले उन्हें गड्डियां मछियां मारियां ने. You know he killed these animals. फिर उन्हें वड्डा गुलियात मारे. And then he brought down that big giant. जरा उत्थे नहीं वफादार, इत्थे भी नहीं वफादार. If he was not faithful there, then he won't be faithful आप here. आप थोड़े में वफादार होंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बड़ा इनाम आपके झोली में खुदावन डालेगा. If you'll be faithful with a little, then God will soon there'll be a day when God will reward you with something big. छोटी छोटी सेवकाई नहीं करता, मैं बड़ी ही करता. Some people say, oh, I don't do this little small ministry. ना बड़ी मिलनी तो ना होना छोटी करनी. They don't do small ministry. They don't even do big. सपने ही हैं वो बस. Those are just dreams. खुदावन में जो आपको दिया उसी में वफादार. Whatever God has granted you, you need to be faithful in that. लगे रहो. You have to be at it. थोड़े में लगे रहो. You have to be steadfast in your. जोसेफ जेल में था. Joseph was in prison. कैदियों के सपने के अर्थ बताता था. He was interpreting the dreams of the prisoners. एक दिन वड्डा जरा है वो सपना सामने आ गया, उदा दर्शन, and then he उदा अर्थ दस्या. He came across a big dream and he interpreted that. Overnight prison से palace में transfer हो गया. And overnight he was transferred from prison to palace. Amen. Amen. ये क्या है? आप थोड़े में वफादार रहेंगे, खुदावन ज्यादा देगा. What is this? That if you remain faithful in your little, he'll लगे रहना है. You have to be steadfast. You have to maintain yourself. खुदावन में बरकरार रहना. You have to be with God and be बहकना नहीं है. Don't deviate. गुमराह नहीं होना है. Don't be distracted. शैतान निराश करेगा. Devil will bring forth मायूस करेगा. Discouragement. आपको बिठाने की कोशिश करेगा. He'll try to put you down. आपको डाउन करने की कोशिश करेगा. He'll try to bring you down. पर आपने बने रहना है. But you have to remain. आपको ये याद रखना है. You have to remember. मेरा खुदावन वफादार है. My God is faithful. उसमें मैं भी वफादार होऊंगा. And I'll remain faithful in him. Amen. Amen. वापस तिमोथियस की किताब में आते हैं. Let's go back to the book of Timothy. That will be the last verse and then we're going to pray and declare the power of God. ये आखिरी आयत होगी और उसके बाद हम दुआ में जाएंगे. ठीक है, वापस उसी तिमोथियस, सेकंड तिमोथियस चैप्टर 4 में आए जरा. Let's go to second Timothy chapter 4. ठीक है, उसकी 6 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं. We'll read from verse 6 onwards. ठीक है, ये तिमोथियस का आखिरी खत जेल में से लिखता है और ये लिखकर वो एक बड़ी पावरफुल डिक्लेरेशन करता है. This is the last letter that Timothy writes from prison and he's making a very powerful declaration. Chapter 4 verse 6 और 7 ये पढ़े जरा. क्यों जो हुण मैं अपने लहू दा अर्ग देण नु हां. हां, पौलुस कह रहा है अब मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूं. He's saying that I'm ready for a sacrifice. ठीक है, अपने लहू का अर्ग देने के लिए मींस वो जेल में था, कभी भी उसको बुला दिया जाएगा कि आज फलाने फलाने कैदी को जो है खत्म करने का टाइम है. He was in the prison and he knew that soon, one day soon he'll be able, he'll so be called to be sacrificed. Any time बुलावा जाए. He's aware that any time he would get that call. पहली सेंचुरी में नीरो बादशाह के दौरान कई लोगों को हलाक किया गया उनके ईमान के खातिर. In first century, a lot of people were killed because of their faith. तो नीरो बादशाह उस समय जो उसने बड़े लोगों को बड़े जुर्मी क्रूर तरीके से हलाक किया. There was a king, Nero king, who actually very cruelly killed people. उसी के राज के दौरान जो है पौलुस को हलाक किया गया. During the same reign, Paul was also killed. So he is prepared, fully तैयार है. वो he is prepared completely. कोई गिला शिकवा नहीं है. He has no complaints. पता है अपना काम पूरा किया. He knows that he's completed his task. वफादारी निभाई है.
He has showed faithfulness. पूरा जो है अपना काम को पूरा किया. He has completed his task. तो वो खत में आखिरी खत लिखते हैं. So when he's writing this last letter, बड़ी संतुष्टि है. He has a contentment. बड़ी खुशी है जाने की भी. He is very happy to leave. यीशु के लिए मरने के लिए भी बड़ी खुशी और संतुष्टि पाई जाती है. He is filled with contentment and he's ready to die for Jesus. क्या है पढ़े जरा क्या है? अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है, मेरे कूच करने का नगारा बज चुका है. टाइम फॉर माय डिपार्चर इज नियर. ठीक है, बोले टाइम बुलावा आ गया मेरा जाने. He knows that the time is here for him. हाँ जी पढ़ेगा. मैं अच्छी लड़ाई. अच्छा, दूजिया दिन ही अपनी गवाही है, पर्सनल टेस्टिमनी. अब सुने, he's testifying about his own this testimony. is a testimony. सुने अभी ये गवाही सुने जरा. क्या मैं की किता है? मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी. I have fought the good fight. ठीक है, बुरी लड़ाई सारे लड़ लेते हैं. Everyone can fight a bad. वो दे ली कोई ट्रेनिंग दी नहीं लोड. You don't need training for that. ईमान की अच्छी लड़ाई. ठीक है, यीशु में शैतान के साथ, बुराइयों के साथ, हर तरह की जो है शैतान की, इब्लीस की ताकतों के खिलाफ जो एक लड़ाई है, मैं की कितना मैं अपने वालों बेस्ट किया है, मैं अच्छी लड़ी है मैं अपने वालों. He's fought a good fight with the forces of darkness, with the enemy, and what he's done a good fight. कई लोग बस डिगे रहते थे ना शैतान दा लान ले बैठे पे ने. You know, some people are just right there and they start keep blaming the devil. ये शैतान बड़ा शैतान है जी, ये बहुत शैतान है, बहुत शैतान है. Devil is very shrewd. है ना, आप डिग पे ना. They fall. ते ना शैतान दा लाई जाना. And then they keep blaming the devil. भई वो बहुत शैतान है. You know, the devil is very shrewd. अब होर गुकन को वो कह रहा है मैं शैतान है, इस तो ज्यादा क्यों हो जाए. What else can you say about the devil who is a devil? लड़ना हमारा काम है. It is our duty to fight. Victorious होना हमारा काम है. It is our duty fight to be victorious. A good fight. आप एक अच्छी लड़ाई लड़े. पौलुस कह रहा है. Paul is saying. मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ. I'm giving you my testimony. मेरे जाने का टाइम आ गया है. It's my time for departure. Timotheus पुत्र मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है. But Timothy son, I fought a good fight. Amen. Amen. आप और मैं जाने से पहले, आँख मीचने से पहले हमारी एक गवाही हो. Before we close our eyes, this should be our testimony. I have done my best for God. कि मैंने अपना उत्तम करा परमेश्वर के लिए. मैं ऐसे टाइम नहीं जाया किया. I have not wasted my time. No. I did best in my life. मैंने बहुत अच्छा किया अपनी जिंदगी में. I have fought a good fight. मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी. आगे पढ़ें, इसके सेंटेंसेस खत्म करें जरा. मैं दौड़ को शुरू करने वाले बड़े ने, पर मैं दौड़ की कितिया मैं पूरी कितिया. There's a lot of people that start a race, but they're unable to finish. शुरू but he's करने वाले बहुत ने. There's a lot of people that began. पर जो एंड तक वफादार रहेगा, उसी को जीवन का मुक्त मिलेगा. But the one that remains faithful until the end, he'll receive the crown it's of life. It's not one who began, it's one who finished the race. वो नहीं जिसने शुरुआत की, पर वो जिसने खत्म किया. शुरू शुरू में बहुत जो हैं छाला मार दे. Some people are very enthusiastic when they begin. पर बाचों नाली भज भी जांदे. But later they run away. वो जितनी तेजी से आए वो उतनी तेजी से गए भी. The enthusiasm they came with, the same enthusiasm they go with. पंजाबियों दी एक गेम है. There is a game in kabaddi. Punjabi people. Kabaddi. Oh, kabaddi karke aunde te kabaddi karke gaye. They say the word kabaddi and they come and pata nahi kab aaye aur kab gaye, yaad bhi nahi. They come like a storm and they leave like a storm. You don't even remember when they came. He said, I began and I finished. Usne bola ki maine shuruaat ki aur maine uska ant kiya. Aasan nahi tha. It wasn't easy. Ladai thi. It was a fight. एक संघर्ष था. It was a fight. एक बड़ा युद्ध था. It was a big war. There were so many complications. वहाँ पे बहुत सारे कठिन चीजें थी. वफादार लोग भी आए. There was faithful people. बेवफा भी आए. There were unfaithful people. शैतान ने भी रोका. The devil came. मुसीबतें भी आईं. Problems came. जिंदगी में कांटा लगा रहा. There was a thorn in his life. लोग उनके खिलाफ बोलते रहे. People were speaking against him. उसके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचे गए. People were conspiring against him. यहाँ तक कि एक जगह पर प्रचार करता, सांप ने उसे डसा. Matter of fact, one place he was preaching and कुछ किया उसके साथ. There was a lot of things that happened. एक जगह पर वो कहता है. One place he says, 39 times मुझे कोड़े मारे गए. 39 times he was अधमुआ छोड़कर चले गए हैं लोग. And they left him half dead. मार कूट कर काठ में डालकर जेल में फेंका गया. He was beaten up and he was put chains and he was thrown in the prison. समझो जांच सफर करने वाले खात नहीं लिख रहे भी जी, खिड़की खोल के तो अगर लिख रहे सी हवा बड़ी सोनी आ रही तो मैं खात लिख दूं. Don't think that he was sitting with an open window. No. Breeze was coming and he's writing these this letter. These guys were in jail. पर ये लोग सारे जेल में थे. मारा गया. They were beaten. कूटा गया. They were wounded.
बांधा गया एंड दे वर टाइड अप सीटा गया एंड दे वर ड्रैग्ड बेइज्जत किया गया दे वर उसके बावजूद खड़े रहे स्टिल दे रिमेन हमारी इज्जत नहीं खुदावन की इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दे वर कंसर्न्ड अबाउट गॉड्स ग्लोरी हमारी महिमा में खुदावन की महिमा ज्यादा दे वर नॉट केयर अबाउट देयर ओन स्प्लेंडर बट गॉड्स कौन खड़ा है शहादत की आज बात ही नहीं होती वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल दैट आर कितने मैसेज आपने शहीदियों के बारे में सुने आज हाउ मेनी मैसेजेस हैव यू हर्ड अबाउट क्रिश्चियनिटी में ज्यादा ब्लेसिंग वाले हैं हीलिंग वाले मैसेज देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस अबाउट ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग अनॉइंटिंग हीलिंग ब्लेसिंग डबल अनॉइंटिंग ऑल दैट सब आज वही है ऑल यू लिसन अबाउट इज डबल स्लीप कौन उठाएगा भाई Who's gonna pick up the cross? कौन जो खुदावन के लिए दुख सहेगा Who will be the one that'll be persecuted कौन मसीह के लिए दुखड़े चलेगा Who will go through torture for God? कौन offended होगा Who'll be offended? किसको जो है गलत शब्द कहे जाएंगे Who will be spoken कौन wrongly? उसके बावजूद बना रहेगा And, despite of all that, will remain steadfast? Who will remain steadfast? उसकी लिस्ट खुदावन ढूंढ रहा है God is looking for that Paul list. कह रहा है Paul is saying, मैं लड़ी लड़ाई I have fought the fight. पर उसके साथ साथ क्या अपनी दौड़ को पूरा किया But along with that, I finished my race. मैं विचो छड़ के जा सकता सी. I could have left midway. He is from one of the wealthiest family of those days. वो एक बहुत ही अमीर खानदान से आता था. One of the best educated scholar of those days. वो बहुत ही पढ़ा लिखा था scholar था. बहुत शेखी मार सकता था. And he could have boasted a lot. उसके बावजूद बड़ी आम साधारण गरीब सी जिंदगी जी But in spite of all that, he was leading a very इतनी degrees उसके पास थी. Ordinary life. He had a lot of degrees. कहता सब कूड़ा कबाड़ा है यीशु के जलाल के सामने. He considered all that garbage. वो सारी dignity गई एक साइड में. He left all that dignity on the side. जीना मसीह मरना लाभ है यीशु के लिए. To live is for Christ and to die is for benefit. कौन मुझे खुदा की मोहब्बत से अलग कर सकता है? Who can separate me from the love of God? लोग, people, फरिश्ते, angels, अमीरी, riches, गरीबी, poverty, कानून, authorities, legal authorities, आसमान से फरिश्ता भी आए तो यीशु की मोहब्बत से कोई नहीं जुदा कर सकता. Even if the angel comes from heaven, he cannot ये even separate me. This is faithfulness. कोई भी नहीं कर सकता. Nobody can separate end you. End तक बने रहेंगे. Until the end, I'll remain. Hallelujah. Hallelujah. ये है ईमान की ज़िंदगी. This is the life of faith. दौड़ को पूरा किया है. He's completed his race. फिर आगे पढ़े आखरी हवाला. Let's read further. क्या कहता है? क्या है? हाँ जी. मैंने अपने ईमान की कितिया ईमान सांब के रखिया है. I have taken care of my faith. ये गवाच जांदा जे. You know, it could have gotten lost. छिन जांदा जे. It could have been snatched. एक काट हो जांदा है. It could have decreased. फीका पड़ जाता है. It could have grown weak. इस पर हमले होते हैं. It's been attacked. कई बार आप पर फिजिकल होते हैं. Sometimes you have physical attacks. पर कई बार ये स्पिरिचुअल हमले हैं. But sometimes you go through spiritual attacks. आपके ईमान को खत्म करने की कोशिश होगी. To end your faith. आपकी फैमिली भी हो सकती है It could be your family. रिश्तेदार भी हो सकते could be your relatives. फ्रेंड्स भी हो सकते could be your friends. हैं शैतान भी हो सकता It है could be the devil. बीमारी भी हो सकती could be है sickness. गरीबी भी हो सकती could है be poverty. क्राइसिस भी हो सकते could be a crisis. It could be anything. कुछ भी हो सकता है पर आपका फैसला जो है इन सब चीजों को शिकस्त देगा Then your decisions should defeat all How that. You face those challenges. कैसे आप उन चीजों का सामना करते हैं How you defeat the enemy. कैसे आप शैतान को हराते हैं पौलुस कहता है Paul says, मैंने दौड़ को पूरा किया I have completed मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है I have fought a good fight. मेरे ईमान पर हमला हुआ है my faith has पर been मैंने attacked. अपना ईमान को संभाल के रखा But I have kept my faith, ये चिराग एक छोटा सा दिया है it is a little lamp. जो कोई ना कोई बुझाने की कोशिश करेगा Someone tried to extinguish it. आपको संभालना you have to take care of it. कहीं पर भी बुझ सकता है it could, be extinguished अगर आपने anywhere. संभाला नहीं If you don't take care of it, जड़ा मर्जी फूक मार के बजा दूंगा anyone can blow over it पर and आप इसको ऐसे गार्ड करें you have to guard in such a way. कोई भी आपके ईमान को बुझाने ना पाए nobody be able to कोई आपकी आप खत्म ना करने पाए Be able to put ना off that बाहर fire. वाले ना अंदर वाले not the outsiders, not the ना रूहानी ना जिस्मानी not the spiritual या or the दुनिया physical. के या अपने worldly or ना चर्च own. के बाहर के या चर्च वाले From outside the church कोई or inside आपके ईमान के चिराग को बुझाने ना पाए Let no one put off that lamp Paul कहता मैंने ईमान की रक्षा करी है Paul says, I've kept my faith. वफादारी दिखाई है I have showed faithfulness, मैं बना हूँ मैं टिका हूँ जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं if I lose my life, I don't फर्क नहीं पड़ता I don't care. अपने काम नु पूरा किया है I have completed my अपना task. मिशन पूरा किया I have completed है अपनी खिदमत पूरी की है I have completed my कोई race. कुछ कह नहीं सकता Nobody है खुदावन के सामने मिलने के लिए पूरा तैयार हूँ I am ready to face कौन God हिला सकता है मुझे Who can shake कौन me? मेरी जड़े हिला सकता Who है can shake my roots? कौन मेरे यकीन को कमजोर कर सकता Who can bring है my faith, कौन मुझे जो है शेक कर सकता Who can है shake me? No one and nothing in the कोई भी नहीं और कुछ भी नहीं ये आपका इरादा हो This should be ये your आपका decision. फैसला हो This should be a decision. कोई किसी की हिम्मत ना होवे That nobody has the audacity. इतने मजबूत हो जाएं
become so strong koi bhi cheez aapko khudavan yesu ki mohabbat se alag na kare. Let nothing separate you from the love of God. Ye aapka niji faisla ho. This should be a personal decision. Choti choti hawaein aayengi, the little winds will come, uske baad badi bhi aayengi, and then the big storms will come. Par ye tufaan aapko hilaye nahi. Let not those storms move you. Shaitan iblis aapko girae nahi. Let devil not bring you down. Duniya ki cheeze aapko girae nahi. Let the worldly things not bring you down. Jo yesu wafadar hai, if Jesus was faithful, aapne aur maine bhi wafadar hona hai. We have to remain faithful as well. Hum uske bacche hain. We are his children. Isiliye wohi gun hum mein hona chahiye. That's why we should have same traits. Paon ke bal khade ho jaate hain. Let's stand up on our feet. Elan kare jara. And declare it. Ghoshna kare jara. Declare it. Daant de har cheez ko. And rebuke everything. Jo aapke imaan ko phika karti hai. Whatever makes your faith grow weak. Jo aapko kamzor karti hai. Whatever makes you weak. Chahe ajmaish hai. Let it may it be a temptation. Pareshani hai. May it be a problem. Chinta hai. May it be a worry. Badru hai. May it be an evil spirit. Nasha hai. May it be addiction. कौन सा दुश्मन है आपका? मुझे नहीं पता व्हाट योर एनिमी इज. कौन सी चीज आपको गिराना चाहती है? व्हाट इज दैट थिंग दैट ट्राइज टू ब्रिंग यू डाउन? आप उसे नोटिस जारी करें. यू हैव टू गिव अ नोटिस. कहें यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, जो मेरा खुदावंद अनचेंजिंग है, द गॉड दैट इज अनचेंजिंग, हमेशा वफादार है, ही इज ऑलवेज फेथफुल, मैं उसमें वफादार हूं. आई वांट टू रिमेन फेथफुल, मैं उसमें वफादारी दिखाता हूं. आई वांट टू शो फॉर फेथफुलनेस. मैं टिके रहने वालों में से, आई वांट टू बी द वन दैट स्टेड्स, बहकने वालों में से नहीं हूं. आई एम नॉट द वन दैट गिरने वालों में से नहीं हूं. आई एम नॉट गोना बी द वन दैट. मैंने दौड़ को सिर्फ शुरू नहीं किया, आई हैवंट जस्ट बिगन माय रेस, पूरा करूंगा. I'm going to bring it to मैं an end. दौड़ूंगा. I will run. और कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा. And I'll not grow weak. यशायाह लिखते हैं, Isaiah writes, जो यहोवा खुदावन पर ईमान रखते हैं, the ones that have faith in वो God, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं. They will run, they'll not grow weary. काबों के मानिंद ऊपर की उड़ान भरेंगे. They will soar on high like eagles. बाकी थक जाएंगे, everyone else बीच रास्ते छोड़ देंगे. They will leave midway. पर जो यहोवा यीशु पर ईमान रखते हैं, but the ones that have trust वो अपने पैरों को मजबूत करेंगे. They will be strengthened. ऊंची उड़ान भरेंगे. They will soar on high. और बहुत ऊंचा उड़ेंगे. And they will soar on high. जमीनी ताकतें नीचे रह जाएंगी. All the worldly powers will remain low. They will rise above the atmosphere. उन सब चीजों से ऊपर. Devil is a liar. पर शैतान झूठा है. वो आपको बहकाएगा. He will distract you. गुमराह करेगा. He'll defeat you. परेशान करेगा. He will make you worry. गिल्ट लेकर आएगा. He will bring पर problems. आप यीशु में खड़े हो जाएं. But in God you must stand. पुरानी फेलियर्स को भूल जाएं. And forget all your previous failures. पुरानी बातों को भूल जाएं. Forget about all the old पुरानी things. जो चीजों में आप निष्फल रहे भूल जाएं. Forget about all the things you've been unsuccessful. आज एक नई शुरुआत हो. Today be a new beginning. यीशु में आप विजयी फतेहमंद हैं. In Jesus you are victorious. He wants to see you victorious. वो आपको जयवंत देखना चाहता है. You cannot be defeated. आप हार नहीं सकते. Because you believe in the name of Jesus Christ. क्योंकि आप यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं. Name above every name. वो नाम जो सबसे ऊंचा है. और उस नाम में हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी. Before the name every tongue will confess. अगर वो आपके साथ है, if he's with you, तो हर तूफान का आप सामना कर पाएंगे. You can withstand any storm. हर बदरू को गिरा पाएंगे. You can bring down any हर अजमाइश को गिरा पाएंगे. You can bring down any temptation. In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में. In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में. In the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. आज मैं प्रार्थना करता हूँ. Today I pray. मैं प्रोफेसाई करता हूँ. And I prophesy. आपका ईमान मजबूत हो. Let your faith grow strong. आपका ईमान इम्प्रेसिव हो. Let your faith be impressive. सरगर्म हो, एक्टिव हो. Let your faith be active and ये तूफानों की लहरों के सामने खड़ा हो जाए. Let it be standing in front बीमारियों of the के सामने खड़ा हो जाए. Let it stand in front of बदरुओं, sicknesses. बदरुओं के सामने खड़ा हो जाए. Let it stand in front of evil spirits. शैतान की ताकतों के सामने खड़ा हो जाए. Let it withstand the powers of the enemy. नशों के सामने हो जाए. Let it stand in front of addiction. आप एक वफादार जिंदगी जिए. That you lead a faithful life. खुदावन के साथ वफादार. Be faithful with God. अपने परिवार के साथ वफादार. Faithful with your family. और खुदा के घर के साथ वफादार. Faithful with God's house. अपने रिश्तों में वफादार. Faithful in your relations. अपनी जिंदगी के साथ वफादार. And with your life be faithful. उससे ज्यादा अपने यीशु के साथ वफादार. And above all that be faithful. In the mighty name of Jesus Christ. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. May the Lord bless you. आपको खुदा आशीष दे. Strengthen you. आपको ताकत बख्शे. Empower you. और आपको ताकत बख्शे. To face every plan of the enemy. ताकि आप हर चीज उसका सामना कर सके जो शैतान लाए. हाथों को उठाए जरा. Lift up your hands. दो मिनट खुदावन से अपना जोर को मांगे. Take these 2 minutes and ask God to strengthen you. Ask God to give you power. खुदावन के अभिषेक को मांगे. And ask him to anoint you. आप उन वफादारों में से बनना चाहते हैं. You'll be one of those faithful people. आप जोरावर वालों में से बनना चाहते हैं. You want to be the one that's powerful. आप जीतने वाले बनना चाहते हैं. You want to be out of the ones that are victorious. In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you for your power. Thank you Jesus. Thank you Lord. वायदों के सच्चा खुदावन. Yes Lord. वफादार खुदावन. You are a faithful God. अपने शब्दों में बने रहने वाले आज कल एक समान खुदावन are an unchanging God. हम प्रार्थना करते हैं. We pray. बल दे हमें.
give us power, ताकत दे हमें, strengthen us, ज्ञान अकल दे हमें, fill us with knowledge and wisdom, सामर्थ्य भर हमें, fill us with power, हर बीमारी का सामना करें, may we be able to stand every sickness, हर बदरू को हम डांटते हैं, may we rebuke every हर नशे को डांटते हैं, we rebuke every addiction, हर निराशा को डांटते हैं, every disappointment, हर मायूसी को डांटते हैं, we rebuke every disappointment, हर witchcraft को हम हुक्म देते हैं, and we rebuke and command every witchcraft, out and never come back. Nikal jao raha out and never come back. Nikal jao wapas in the mighty name of Jesus. Parmeshwar ke samarthi naam mein. Yeshu ke samarthi naam mein. In the mighty name of Jesus. Yeshu ke pavitra naam mein. In the holy name of Jesus. Yeshu ke jalali naam mein. In the glorious name of Jesus. Yeshu ke zoravar naam mein. In the splendor name of Jesus. Jaye aur kabhi wapas na aaye. May leave and never return. Jaye aur kabhi wapas na aaye. May leave and never return. Main Yeshu mein laga hua hoon. May we be victorious in Jesus. Usme planted hoon. We are planted in Jesus. Usme grounded hoon. I'm grounded मेरी in जड़े यीशु में है My roots are found मेरी जड़े in Jesus. यीशु के वचन में है My roots are found in प्रभु यीशु मुझे बल दे God grant me the strength सामर्थ दे Give me the power शक्ति दे Strengthen me मैं मजबूत बना रहूं May I remain strong हर बीमारी को हुक्म देता हूं Rebuke every sickness हर डिप्रेशन को हुक्म देता हूं We command every depression यीशु के नाम से छोड़ के जाए In the name of Jesus leave हर पहाड़ जाए छोड़कर May every mountain हर मुसीबत छोड़ के जाए May every problem leave हर नेगेटिविटी छोड़ के जाए Every negativity In the mighty name of Jesus. परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में. In the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. In the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. May the Lord bless you today. आपको खुदा आशीष दे. May the Lord strengthen you today. आपको खुदा ताकत बख्शे. यीशु के नाम में. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. In the name of Jesus. आशीषें आपका हिस्सा हो. May blessings be part of you. बरकतें आपका हिस्सा हो. Blessings be part of you. चंगाई आपका हिस्सा हो. May healing be part of you. खुदावन की खुशी आपका हिस्सा हो. May his joy be part of you. यीशु की शांति आपका हिस्सा हो. May his peace be part of you. आगे बढ़े आप may you grow तरक्की को पाए कामयाबी पाए रुकावटें दूर हो बंधन टूटने पाए बीमारियां छोड़ के जाए यीशु के नाम में यीशु के नाम में be free in Jesus name hallelujah thank you lord Jesus Christ खुदावन तेरे लोगों पर तेरी आशीष का मैं उच्चारण करता Lord, I declare your blessings upon your people. तेरी स्ट्रेंथ का मैं उच्चारण करता हूं I declare strength. तेरे डिवाइन फेथ का ऐलान करता हूं And I declare your ऐसा divine faith. ईमान That kind of faith, जो हिलता नहीं है that's unshakable, बना रहता है and it'll remain, टिका रहता है it'll be established, फल लेकर आता and है it brings forth In the mighty name of Jesus Christ we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुआ Amen. Amen. तालियों के साथ खुदावन यीशु को जलाल दे जरा Let's clap unto the Lord and give him all the glory. Thank you, Lord. Praise the Lord. अपने दान दशमांश अपने हाथों में लें Let's take our tithes and offering जो आप प्रभु के लिए अपना हदिया लेकर आए हैं Whatever you've brought for आप God, वर्चुअली ऑनलाइन देते हैं या इन पर्सन देते हैं if you're giving it online or giving in person, हम प्रार्थना करें अपने दान दशमांश पर We must pray over our offering and tithe. और खुदावन के खत्ते में निष्ठा से बोएं जरा And we should plant it in God's accounts with faith. प्रार्थना करेंगे we'll pray. पिताजी ये दान जो आपने दिया है उसमें से हमारी शुक्राने की भेंट है Lord, what you have blessed us with, this is our thanksgiving offering. आप इसे लें और अपनी बादशाहत के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें. Take it and use it for the expansion of your kingdom. सारी जरूरतें तेरे स्वर्गीय खजाने से पूरी होने पर. Let all our needs be met from your heavenly treasures. हर एक दान देने वाले पर बरकत हो. Let there be blessing on everyone that's giving. Financial, spiritual, physical, सारी जरूरतें पूरी होने पर. Let their all needs be met, financial, physical, or spiritual. नुकसान और नाश को हमसे दूर रख. Destruction and ruin keep away from us. Sickness, disease, को हमसे दूर रख. Keep all the sicknesses and diseases. कमियां, घटियों को हमसे दूर रख. Lacks and needs keep away from us. पूरी हमारा हिस्सा होने पाए. Let abundance be part of us. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में. Amen. Amen. यीशु साड़ी रोशनी दे. यीशु साड़ा नूर. ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਹਦਾਈ ਮਮੂਰੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਹਦਾਈ ਨੂਰ ਦਾ ਮੋਕਾ
ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਹਦਾਈ ਮਮੂਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਹਦਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾਏ ਤੇ ਦੂਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ
Thank you, Jesus. Yes, मसीह के नाम को जलाल दे तालियों के साथ. Let's glorify Amen. The name of Jesus. Glory be to the name of the Lord. As we clap unto him. Amen.